सबसे पहले ये देखो, ये प्लॉट जो था लास्ट वीडियो में देखा होगा, पूरा भरा हुआ था। यकीन मान लो, दो बंदे आए और 2 से 3 घंटे तक काम किया, मेरे हिसाब से सारा साफ कर दिया। ओ वो देखो पीछे बिल्ली। समर शुरू होने वाली है, थोड़ी बहुत हो ही गई है। और मौसम चेक करो ऑस्ट्रेलिया में, ओहो मैं कहता हूँ 6 बजे के बाद का जो मौसम है ना, ओहो क्या ज़बरदस्त है। जब आप यहाँ पर आओगे ना तो ही आपको पता चलेगा, अभी बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छे दिन आने वाले हैं घूमने फिरने के। कमेंट बड़ा अच्छा है जी, बहुत बढ़िया। ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन से तरीके हैं इंडियन फ्रेंड्स बनाने के, और बार्स वगैरह कब तक ओपन होते हैं, क्लब हैं भी या नहीं, लाइफ मेंबरशिप जिम खाना क्लब में। हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। यहाँ पर आपको मिलेगी रियलिटी, ठीक है। क्वेश्चंस तो आपने देख ही लिए होंगे कि किन किन टॉपिक्स के ऊपर आज मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि हमें फ्रेंड्स अगर बनाने हैं इंडियंस तो कैसे बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, जो बार्स होते हैं, पब होते हैं, क्या वो 6 बजे बंद हो जाते हैं कि रात देर रात तक खुले रहते हैं। तीसरा, यहाँ पर अगर हम किसी मेंबरशिप ले लेते हैं जैसे जिम खाना क्लब की उन्होंने ली थी, तो यहाँ पर कोई ऐसा है या नहीं है। पूरी वीडियो एंड तक देखना, जो मेरा रियल एक्सपीरियंस है सामना सारा का सारा शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा सारी चीज़ें कि होता क्या है एक्चुअली में। देखो पहली बात तो ये कि हम फ्रेंड्स बनाना है, इंडियंस फ्रेंड्स बनाने हैं, वो आपको अलग अलग जगह के ऊपर जाना पड़ेगा। जब आप जॉब करने लग जाओगे, ठीक है, किसी इंडियन रेस्टोरेंट में जॉब करोगे या किसी भी जगह के ऊपर जॉब करोगे, तो आपके फ्रेंड्स वहाँ पर बन जाएंगे। दूसरी बात, अगर आप रेंट के ऊपर रहना शुरू कर दोगे, जैसे जैसे आप एक जॉब से दूसरी जॉब की तरह स्विच होना शुरू कर दोगे, आपके फ्रेंड्स जो हैं इंडियंस नहीं बल्कि यहाँ के जो लोग हैं, चिंके होते हैं, चाइना से आए होते हैं, थाईलैंड से, ऑस्ट्रेलियंस, वो सारे आपके धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएंगे। तो वो कोई इशू नहीं है कि फ्रेंड्स वगैरह बनाना मुश्किल है यहाँ पर, यहाँ पर सारे ओपन हैं। अब यहाँ से कोई गुजर रहा है, ठीक है, चल रहा है, चाहे वो लेडी है, चाहे वो कोई भी है, इंसान, कोई भी इंसान जो आपको इंसान मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही भावुक हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा मेरे प्योर हिंदी हो गई बोलते बोलते, मतलब जो यहाँ पर गुजर रहा है, यहाँ का कल्चर इतना अच्छा है, चाहे आपको वो बंदा जानता क्यों ना हो, ऑस्ट्रेलियन पीपल यहाँ पर जो हैं वो एक दूसरे को बुला के निकलते हैं। जैसे सामने वाला ये जो बंदा है, इसका नाम है एलेक्स, ठीक है, ये पॉलिश है, इसकी वाइफ पॉलिश पर्शिया से आई है शायद, कुछ कह रहा था। ये जो बंदा है ये ऑस्ट्रेलियन है, इसका नाम है बिल, ठीक है। और यहाँ पर शाम को लोग आते जाते हैं, सैर करते हैं, चाहे हमारे को, मेरे को वो जानते भी नहीं है, हेलो हाय करके जाते हैं। मम्मी पापा यहाँ पर बैठे हुए थे जब यहाँ पर थे इस पार्क में, ठीक है, कुर्सी मैंने कई वीलॉग्स बनाए हैं, इस पार्क में बैठे थे ये बाहर जो है, और कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे, यहाँ से लोग गुजरते हैं। अब मम्मी पापा को पता नहीं था जब नए नए आए कि लोग यहाँ पर हेलो हाय करके निकलते हैं, चाहे वो बुलाते हों चाहे ना बुलाते हों। हमारे वहाँ पर क्या कल्चर होता है इंडिया में ज़्यादातर, कि अगर आपको कोई जानता है तो ही हेलो हाय बुलाते हैं, वैसे नहीं। अब यहाँ पर जब आपकी आँखें मिल जाती हैं तो वो हेलो हाय करके जाते हैं स्पेशल, ठीक है ना। तो इस तरह से आप फ्रेंड बना सकते हो। तो दूसरा तरीका आता है हमारे पास, एक तो आप जब जॉब जाओगे तब बना सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका आ गया आप बार वाला, बार का क्या सिस्टम है, ठीक है, कि बार जो है यहाँ पर खुले हुए हैं या नहीं खुले हुए हैं, कितने बजे तक खुलते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं रहता हूँ एडिलेड में, एडिलेड में मैं तो पीता वगैरह नहीं हूँ, ठीक है, टोटली वेजिटेरियन हूँ और इतनी खासी इन्फॉर्मेशन है नहीं इस बारे में। लेकिन जब हम सिटी में जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या वैसे अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए, देखो फ्राइडे सैटरडे और संडे तो देर रात तक यहाँ पर पब्स वगैरह खुले रहते हैं, पूरा पूरा दिन चलते हैं, डिस्क हो गए,
वो सारे रात के 12-1 बजे, मतलब शुरू ही 11 बजे होता है, और सुबह के 6 बजे तक आराम से खुले रहते हैं, ठीक है, पब वगैरह हो गए। और उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट बाकी दिनों में, मंडे टू थर्सडे खुले होंगे, मुझे नहीं पता, 9-10 बजे तक तो खुले ही होते ही हैं, ऐसी बात नहीं है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है यहाँ पर कि, मतलब यहाँ पर सारे ओपन माइंडेड हैं। अब यहाँ पर देखोगे ना, नए नए जब आओगे, माहौल देखोगे, आप बड़ा खुश होगे, माहौल जैसे फिल्मों में होता है ना, लोग बड़े फ्रेंडली हैं यहाँ पर। देखो हर तरह के लोग रहते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंडिया अच्छा नहीं है या कोई कंट्री अच्छी नहीं है, सारी कंट्री अपनी अपनी जगह पर सही है। यहाँ पर कई बार आपने ये भी देखा होगा कि आपने फ्रेंड तो बना लिए, लोगों के पास टाइम ही नहीं है बातें करने का, तो फिर फ्रेंड का फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है। और तीसरा आ गया जी आपने मेंबरशिप। अब मेंबरशिप आपने जिम खाना क्लब की ली हुई है एग्जांपल। अब मैं तो जिम खाना क्लब में कभी गया ही नहीं वैसे तो, ना ही मुझे उसके मेंबरशिप के बारे में पता है कि आप किस मेंबरशिप की बात कर रहे हो। मैं एक मेंबरशिप की आपकी ये बता देता हूँ कि यहाँ पर कार वॉशिंग थोड़ा मुद्दा चेंज हो गया। कार वॉशिंग के ऊपर आप मेंबरशिप ले सकते हो कि आप अनलिमिटेड अपनी गाड़ी धुलवा सकते हो, या किसी जिम में जाकर पूरे साल की मेंबरशिप ले सकते हो अनलिमिटेड, वो भी हो सकता है। बाकी अगर आप किसी क्लब में पूछ रहे हो या किसी और मतलब वजह में पूछ रहे हो जिसके अंदर, या किसी बार की मेंबरशिप पूछ रहे हो, वो मेरे को नहीं बताया क्योंकि मैं जाता नहीं हूँ, इतना जाता नहीं हूँ, ना ही मैं पीता हूँ, ठीक है, मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है। सो ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा और आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, यहाँ पर लाइफ थोड़ी सी बिजी है, फ्रेंड बना लोगे, लेकिन यहाँ पर जब आप आओगे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, यहाँ पर फुल वर्किंग राइट्स हैं, ठीक है। बंदा कहता है कि ये टाइम है कमाने का और कमा लो, और लोग करते भी हैं, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। और छोटी बड़ी छोटी मोटी कोई भी जॉब नहीं होती है, सारी आपको स्टार्टिंग के ऊपर कुछ भी करने को मिले आप कर लो, आपको तो पैसे से मतलब है। और अगर आपने अपने लिंक तैयार करने हैं, वो कैसे करने हैं, एक दूसरे से मिलके, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाओगे, स्विच करोगे, आपके एक जगह से दूसरी जगह के लिंक बनेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके लिंक तैयार हो जाएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। घर में बैठ के अगर आप ये कहोगे कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, मैं ये काम करूँ छोटा सा, मैं बर्तन मांजूँ, मैं आप वहाँ पर जाऊँ, ये अपनी जो मैं है ना उसको छोड़ के आना अगर आपने यहाँ पर तरक्की करनी है, नहीं तो आप अपने घर में सही रहोगे, जोन में ही सही रहोगे, मैं आपको पहले से बता देता हूँ, ठीक है, रियलिटी है ये। दूर के ढोल होते हैं सुहावने, मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको कमाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी देर तक कमाओगे नहीं उतनी देर तक खाओगे क्या, हर एक चीज़ आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वहाँ पर तो अपना घर है, ठीक है, सारे बंदे रह रहे हैं, ठीक है, और रेंट वगैरह की टेंशन नहीं है। जो बच्चे लोग आ रहे हैं अपने घर वालों के सिर के ऊपर ऐश कर ली जितनी कर ली, अब आपको ज़रूरत है उनको ऐश करवानी, क्योंकि अगर आप पैसा कमाओगे, अच्छा खासा पैसा कमाओगे, अच्छे तरीके के साथ चलोगे, देखो आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी जिसके अंदर आपको मतलब पैसा तो बहुत मिलेगा, लेकिन वो अच्छे ढंग से पैसा कमाने वाला नहीं होगा। काम कोई भी बुरा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ वैसे कि कोई गलत काम करके पैसा मत कमाना, ठीक है। और जुए से दूर रहना, लॉटरी से दूर रहना, चलो शौकिया तौर के ऊपर कहते हैं शौक रखो आदत मत बनाओ, सीधी सी बात है। शौकिया तौर के ऊपर आप कसीनो चले जाओ, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ हिदायतें दे रहा हूँ। नए नए जब आओगे ना, हमारा इंडिया में कसीनो कॉमन नहीं है, ठीक है जी, हमने कभी कसीनो देखा ही नहीं था, मैंने भी नहीं देखा था, तो यहाँ पर आके मैंने देखा, तो मैंने देखा यहाँ पर लोग बहुत सारे पैसे, शुरू में आप पैसे जीतने लग जाओगे, बाद में मारे कैसे पैसे निकलेंगे आपको पता नहीं लगेगा। शौक बनाओ, कभी कभी महीने में एक बार चले गए, वैसे $50-100 लगा दिया कोई दिक्कत नहीं है, आप जो मर्जी लगाओ। क्रिप्टो से बच के रहना, कैसीनो से बच के रहना, लॉटरी सिस्टम से बच के रहना, जो शॉर्ट तरीके हैं ना उससे बच के रहना, राइट। तो बाकी इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे कॉमेंट कर दो, हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। कुछ भी पूछना हो, कुछ भी अगर मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और इसके अलावा मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम को मेरे फॉलो कर लो। जब आप यहाँ पर आते हो एडिलेड में या ऑस्ट्रेलिया में, कई लोग हमारे को मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है यार, यू आर लाइक माई फैमिली मेम्बर्स। सो आप भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत लोग कहते हैं कि सर हम आने वाले हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करके उन्होंने मेरे को मैसेज किया हुआ है। आई होप आपको सारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये ऑस्ट्रेलिया अच्छा लगा होगा, आप आगे नज़ारे ज़रूर लेना यहाँ पर।
लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो ऐसी मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, बाय बाय।